हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे यूट्यूब फैमिली जी? आज हम लोग हाउस का टूर दे रहे हैं। ये हमारे हाउस की मेन एंट्रेंस है। ये सारा कॉरिडोर है पूरा, और क्या कहते हैं, ये गार्बेज रूम है साथ। तो अभी आपको इनसाइड भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सब इस तरह से अपार्टमेंट बने हुए हैं। और ये लिफ्ट है, ये एसी लगा हुआ है सेंट्रल एसी कॉरिडोर में। ये लिफ्ट है सारे, ये मेन है। हम इसके नीचे लिफ्ट यूज़ करके जाते हैं नीचे। जी, सबसे आपसे बात शेयर करनी थी, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं, पर सभी मुसलमान हैं और मुस्लिम हैं। तो हम लोग भी अपने इधर घर के एंट्रेंस पे मेन अलग का पूरी ये लगाई हुई है, आज तक कुर्सी लगाई हुई है ना। तो इसलिए आपके साथ शेयर किया है कि आपको बताया है कि बाहर के कंट्रीज़ में आप अपने घर के बाहर जो मुस्लिम लोग हैं ये आप लगा सकते हैं। ये दो, ये एंट्रेंस है, दो शूरैक्स हैं, और ये भी बड़ा शूरैक्स है। इसमें सारे हमारे शूज़ वगैरह इनसाइड होते हैं पड़े हुए। और यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, इसमें हम लोग अपने सारे पेपर्स वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, सम बिल्स वगैरह आते हैं, जो पेड होते हैं, ग्रॉसरी वगैरह के हम लोग आते हैं, वो इसमें हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि समटाइम ये कन्फ्यूजन। और ये कैंडल का है सारा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट किया हुआ है, क्योंकि ये कैंडल मेन एंट्रेंस पे आपको पता ही है। ये हमारा मेन रूम है जिसमें हम लोग बैठते हैं और खाना, ये डाइनिंग एरिया, खाना वगैरह खाते हैं। और उधर उस साइड पे ये सारी कैबिनेट्स हैं, ये कैबिनेट्स के अंदर अलमारियों में सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। कुछ इधर हम लोगों ने रखे हुए हैं और कुछ किचन में रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसी से निकाल के हम लोग सर्व कर लेते हैं ना। तो इस साइड पे ये देखें, ये ऐसे है, हम लोग इधर बैठ के सिटिंग में करते हैं, एरिया में मूवी वॉच कर ली, ड्रामा वगैरह वॉच कर लिया, ये इधर हम लोग बैठते हैं सर डे टाइम। तो ये सोफा वगैरह पड़ा होगा सारा, तो इधर हम बैठते हैं ये सोफे पे सब लोग। और यहाँ से बैठ के हम लोग टीवी वगैरह वॉच करते हैं, और डाइनिंग पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। तो ये देखे बाहर का व्यू, जो सी व्यू है वो देखे। इसका मेन जो हम लोगों को ये पसंद आया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये चूज की थी बिल्डिंग, तो इसका ये था कि इधर से पूरी आपको ये नजर आता है सन का ना, आउटसाइड का, बाहर से व्यू, वेदर का, ये बीच का, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे हाउस में सारा, ये जो अपार्टमेंट है इसके सारे आउटसाइड सी व्यू है, पूरा सीज है। और ये इतना अच्छा लगता है नाइट टाइम, इसका डिफरेंट होता है, मतलब ये बहुत प्यारा व्यू कैप्चर होता है। और मॉर्निंग के टाइम और मतलब आफ्टरनून में इसका डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर ही हमारा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जिम वगैरह भी है बिल्डिंग के अंदर ही। तो ये एक इस साइड पे भी व्यू आता है, और एक रूम के अंदर भी व्यू है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। रूम के साथ ही हमारा किचन है, ठीक है। ये मशीन वगैरह इधर इन साइड ही होती है, अंदर ही पड़ी हुई है। ये सारी दूसरी मशीनें हैं, ये फ्रिज है, और ये आप देख सकते हैं ये सारी मशीन वगैरह पड़ी हुई हैं। और नीचे ये वॉशिंग मशीन है, और ये रैक है, ये वाटर डिस्पेंसर है जी। तो ये स्टोव है, कुकिंग रेंज है जी, कुकिंग रेंज है पूरा। हाँ, तो ये देखें आप, और ये मस्त भी हम लोगों ने इधर, ये देखे ना, ऐसे विंडो है, इसे आपको बाहर जब आप लोग कुकिंग करते हैं तो हम लोग एग्जॉस्ट तो ऑन करते हैं, लेकिन उससे ये विंडो ओपन इसलिए की हुई है कि ये पूरी एयर आती है, फिर आपको स्मेल वगैरह नहीं आती। और इधर से भी सारा ये व्यू नजर आता है आउटसाइड का ना। तो ये पूरा देखे आप, इधर से पूरा व्यू देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, अभी तो अभी क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि धूप है, सन बहुत ज्यादा है और वेदर बहुत ज्यादा है। रिदा का और मेरा कमरा रूम है, हाँ जी, पूरा का। तो ये आपके साथ अपना रूम शेयर करते हैं। हम लोगों ने इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं रखा हुआ, बस सिंपली ये एक बेड है और ऐसे साथ लैंप, और ये इधर हम लोग प्रेयर वगैरह का रखा हुआ है, कुरान पाक वगैरह, और ये साथ ही कबर्ड है। तो इसमें सारे क्लोज वगैरह रखे होते हैं। तो ये सारी इसने अपना नमाज का रखा हुआ है। तो ये बहुत प्यारा नाइट टाइम भी लगता है, डे टाइम भी। तो और इधर ही बर्ड्स वगैरह आते हैं जिनको मैं फूड वगैरह डालती हूँ इस टाइम, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आपको पता है ना वेदर इधर हॉट है, तो इस वजह से नहीं है। तो इवनिंग में और नाइट मॉर्निंग में आते हैं सुबह सुबह ना। आपके लिए भी है, मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखें आप, सारा सी व्यू है, और दुबई पूरा आप इधर से देख सकते हैं। ये हम दुबई में ही है, किस्म के अपोजिट साइड पे, ये सारा दुबई का पूरा है, और ये सी व्यू है सारा, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्विमिंग पूल भी है, वो मैं आपको दूसरे रूम से दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें ये स्विमिंग पूल ना, तो ये बना हुआ है ये सारा। तो इसके साथ ही जिम है। तो ये सेकेंड रूम है जी,
तो ये मदर का रूम है, तो ये मेन इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। तो अभी ये एंटर होते ही साथ ये बेड है, हाँ जी। तो ये साथ ये कबर्ड है ये राइट साइड पे, तो ये सारे क्लोथ वगैरह उनके पड़े हैं। ये साथ वॉशरूम है जी, तो ये वॉशरूम भी आप देख सकते हैं। ये इजी वे है उनके लिए आराम से, क्योंकि यहाँ पे ये टब बाथ होते हैं और ये सब वॉशरूम इधर वो ही यूज़ करते हैं, उनका वॉशरूम है, नमाज वगैरह उन्होंने पढ़नी हो तो इसलिए ये इनसाइड ही है। और ये क्या कहते हैं, पिक्चर्स हैं, ये बहुत खूबसूरत है ये पिक्चर। ये यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुई थी, ये वहां से ली थी। और तुम जो गई थी लंदन वो वाली बताओ ना, वो जो मैं जब लंदन गई हूँ तो ये वाली वो पिक्चर है, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये जी। तो ये इधर भी कबर्ड है, यहाँ पे भी उनकी कुछ आइटम्स है, कुछ उनके ग्लासेस वगैरह वो यूज करती है, वो इसमें रखे हुए हम लोग जायनमाज वगैरह ये सबको। ये कॉफी टेबल है, ये आप देख सकते हैं, इधर बैठ जाती हैं वो चाय वगैरह पीती हैं। सामने सी व्यू है पूरा, पूरा हाँ, व्यू वो है। तो ये आपको तो नजर आ रहा होगा, हाँ जी। वो भी मैं अभी आपको सारे वो कर्टन पीछे करके भी सारा दिखाती हूँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल है उनका, ये सारी चीजें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये साइड टेबल्स हैं, क्योंकि साइड ही मतलब आपका ये तो ये पहले तो आप लोगों ने देखा था ना किसके ऊपर कर्टन थे, तो वो नजर नहीं आ रहा था। तो इवनिंग में जब टाइम होता है ना ये मगरिब का, तो उस टाइम हम लोग कर्टन पीछे कर देते हैं, तो ये विंडो भी ओपन करते हैं। अभी तो आपको पता है वेदर है, तो वो एयर कंडीशन ऑन किया होता है इसकी वजह से। तो ये सारा ये व्यू देखे आप, विंडो भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ पूरा व्यू ना, कि कर्टन पीछे करे तो ये सारा सी व्यू है, ये देख सकते हैं आप, ये सब सी व्यू बना हुआ है, ठीक है। और ये कॉफ़ी टेबल्स हैं, यहाँ पे हम बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो अभी कर्टन पीछे किए हैं आपके लिए, हाँ जी। तो अभी आपको स्विमिंग पूल का व्यू दिखाते हैं जी। तो ये स्विमिंग पूल का व्यू है, ये सब यहाँ पे है, मतलब ना इवनिंग में जब थोड़ा सा यहाँ भी जैसे है सब धूप कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ ही मंथ होते हैं जहाँ पे इंसान अच्छे होते हैं, मतलब वेदर अच्छा हो जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारा व्यू है स्विमिंग पूल का, हाँ जी। और सब ये चेयर्स टेबल्स पड़े हुए हैं, ये सब लोग इंजॉय करते हैं जी। तो फीमेल का भी है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे जी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा व्यू है जी। और इवनिंग टाइम सारी लाइट्स वगैरह भी ऑन होती है ना, हाँ जी। इवनिंग का भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरा व्यू। तो ये देखिए बच्चे इधर स्विमिंग कर रहे हैं, ये साथ इसके ये सेकंड वॉशरूम भी है, वो वाला हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, ये वाला नहीं इतना यूज करते। हम लोगों ने सिंपल खाना बनाया जी, ज्यादा कुछ नहीं। आज हम लोगों ने ये दाल बनाई है। अच्छा, तुमने ये बनाई है, मेरी फेवरेट। हाँ, ये मसूर की दाल है, ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें हम लोगों ने मक्खन का तड़का जो होता है वो लगाया है साथ। वो तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो वो तो कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो साथ एक तरफ मदर ने ये ऑरेंजेस कटिंग किए हैं, तो जूस निकालने लगे और ये मैंगो, ये तो लेके आए हम लोग ग्रोसरी करके, तो आज मैंगो भी फिर ट्राई करते हैं। तो बस ये, और अगर आप लोगों को वेट लॉस की टी की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं शेयर करके डाल दूंगी। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और तो हम लोगों को भी दुआ में याद रखिएगा। तो हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, और प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम बस एंजॉय करने लगे हैं, तो आप भी एंजॉय करें और हाउस टूर के बारे में कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।